हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योग एजेटामी चैनल। दोस्तों, आज मैं दो ऐसे गैजेट्स लेकर आया हूं जो कि एप्पल यूजर्स के लिए मस्ट हैव है। सो, मेरे पास आज है एप्पल का लाइटनिंग हेडफोन जैक और बेल्किन का अडेप्टर डुअल लाइटनिंग ऑडियो प्लस चार्जर जैक। सो, इन दोनों का क्या यूज़ है और हमें क्यों चाहिए, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि एप्पल हमें सिर्फ लाइटनिंग अडेप्टर कनेक्टर प्रोवाइड कराता है अपने डिवाइस में, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के 3.5 mm जैक्स के हेडफोन्स आते हैं, और कभी कभी हमें माइक भी रिक्वायर्ड होता है आईफोन से कनेक्ट करने के लिए, जो कि 3.5 mm पे वर्क करता है। तो उस केस में हम अपने एप्पल आईफोन्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं 3.5 mm से कनेक्ट करने के लिए। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एप्पल का लाइटनिंग टू हेडफोन जैक। सो, मैं दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। सो, बॉक्स में हमें मिलता है एक लाइटनिंग जैक कनेक्टर और कुछ मैनुअल्स। ओके, मैनुअल्स तो इसे मैं साइड रख देता हूँ। सो, ये लाइटनिंग जैक अडेप्टर जो है, इस पे आप देखोगे जो अदर साइड है जो कि हमारे फ़ोन पे कनेक्ट होगा वो है लाइटनिंग जैक, और जो दूसरा एंड है वो है 3.5 mm कनेक्टर। सो, जब हमें 3.5 mm के कनेक्टर्स को, वो माइक हो या ईयरफोन हो, उसे कनेक्ट करने के लिए हम इसे आईफोन में कनेक्ट करेंगे और इससे हम अपना 3.5 mm जैक का कनेक्टर यूज़ करेंगे, हेडफोन हो या माइक हो। सो, इसे मैं अभी साइड रखता हूँ ताकि मैं इसका डेमो बाद में दूँ। और दूसरा है बेल्किन का ऑडियो डुअल लाइटनिंग ऑडियो चार्जर अडेप्टर। सो, ये कब हमें रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम कभी वीडियो शूट करते हैं या कोई म्यूज़िक प्ले करते होते हैं, उस टाइम पे बैटरी आउट ऑफ पावर चली जाती है या उसमें बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, उस टाइम पे हमें रिक्वायर्ड होता है कि हम, या तो इस फ़ोन में हमें सिर्फ दो ही ऑप्शन मिलता है, या तो हम चार्ज कर पाएँ या तो हम ईयरफोन कनेक्ट कर पाएँ। तो ये जो अडेप्टर है ये हमें दोनों सॉल्यूशन देता है। इस कनेक्टर के थ्रू हम एक ही टाइम पर म्यूज़िक भी लिसन कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, और साथ में साथ फ़ोन को चार्ज भी कर सकते हैं। तो देखते हैं ये कैसा है। सो, मैं इस बॉक्स को ओपन करता हूँ। सो, बॉक्स में हमें मिलता है ये अडेप्टर। आप देखोगे बड़ा ही शानदार फिनिशिंग है इसका, ये आप देख सकते हो। इस एंड पे एप्पल लाइटनिंग पोर्ट है और इस एंड पर हम देख पा रहे हैं कि हमें दो लाइटनिंग कनेक्टर पोर्ट मिलता है। इसे हम दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, एक फॉर चार्जिंग पर्पस, दूसरा फॉर म्यूज़िक और ऑडियो एक्सटेंशन पर्पस। तो इसमें हम माइक कनेक्ट कर सकते हैं और ईयरफोन भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो, मैंने इसे क्यों लिया और इसे क्यों लिया ये मैं आपको बताता हूँ। तो ये सॉल्यूशन जो है, इस सॉल्यूशन के थ्रू मैं एक टाइम पर एप्पल का लाइटनिंग चार्जर कनेक्ट कर सकता हूँ और दूसरे एंड पर मैं एप्पल का ईयरफोन जो कि एप्पल लाइटनिंग कनेक्टर के साथ आता है उसे मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। तो अब मेरे पास अगर माइक है, अगर कोई ऐसा माइक है या ईयरफोन है जो कि 3.5 mm का है, तो उस केस के लिए मैंने इस कनेक्टर को ऑर्डर करा जो कि मैं इससे इस पॉइंट पे कनेक्ट करके इस पे ऑडियो माइक और ईयरफोन कनेक्ट कर सकता हूँ और साथ में इस पोर्ट्स को मैं चार्ज कर सकता हूँ। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे वर्क करता है।
अभी मेरे पास है एप्पल का चार्जिंग केबल और 3.5 mm कनेक्टर जो कि मेरे माइक से जुड़ा हुआ है। सो, अब मुझे इन दोनों कनेक्टर्स को अपने फ़ोन से कनेक्ट करना है क्योंकि मुझे साथ में चार्जिंग भी चाहिए क्योंकि बैटरी लो है, और साथ में मुझे ऑडियो कनेक्शन भी चाहिए क्योंकि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना है। तो उसके लिए मुझे ये कनेक्टर बेल्किन का यूज़ करना होगा जो कि मुझे एक ही टाइम पे पावर और ऑडियो इनपुट दोनों ले सके। तो मैं शो करता हूँ, फर्स्ट हम ट्राई करेंगे इस फ़ोन को पावर देने का यूजिंग दिस। तो मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ अपने चार्जिंग केबल से। सो, आप देख पा रहे हो इस कनेक्टर के थ्रू फ़ोन चार्ज होना शुरू हो गया है। अब मुझे अपने माइक को कनेक्ट करना है इस फ़ोन से, जो कि मैं नहीं कर सकता। उसके लिए मैं एप्पल का लाइटनिंग कनेक्टर यूज़ करूँगा 3.5 mm जैक का। सो, मैं इसे कनेक्ट करता हूँ और साथ में इसे कनेक्ट करता हूँ। सो, अब मेरा माइक और चार्जर दोनों आईफोन से कनेक्टेड है। सो, लेट्स ट्राई कि ये आउटपुट माइक कैसे ही रिस्पॉन्स कर रहा है। हेलो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये बिल्कुल हाई मिल रहा है हमें इस रिकॉर्डिंग के टाइम पर। दैट मीन्स कि ये माइक प्रॉपर कनेक्टेड है इस जैक से। मैं इसे हटा देता हूँ। हेलो हेलो, सो आप ये देख पा रहे हो कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमें थोड़ी लो मिल रही है एज़ कम्पेयर टू द माइक। आपने देखा ये दोनों एक्सेसरी एप्पल यूज़र्स के लिए कितने यूज़फुल हैं। अगर आपको ये पसंद आया और आप इसे लेना चाहते हैं तो मैंने इसका प्राइस और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।